हाय गाइज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, पहला ब्लॉग में मैं और सत्य ऑलरेडी राउरकेला से निकल चुके थे और ऑलरेडी हम लोग कांजीपानी घाटी एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम लोग केउंझर से होते हुए घाटगांव जा रहे हैं। अगर आप पहला ब्लॉग नहीं देखें तो ऊपर में लिंक आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। एक्चुअली हम लोग का प्लान था केउंझर में जाके लंच करने का, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 3:30 और वैसे भी बहुत लेट हो गया। सो हम लोग केउंझर में रुकेंगे नहीं, बाईपास की रोड होते हुए हम लोग जाएंगे घाटगांव और घाटगांव में थोड़ा रुकेंगे और उसके बाद गुंडीचा घाई जाएंगे और गुंडीचा घाई से होते हुए डुबुरी से होते हुए हम लोग भुवनेश्वर पहुँचेंगे। अगर आप चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा आपको गुंडीचा घाई का। भाईटा कौ पोखरी ना कौन मटिया बंद राजवाटी कौन क्यों झोर राजवाटी से अभी हम लोग केउंझर पैलेस क्रॉस करके आगे आ चुके हैं। ये देख सकते हैं आप केउंझर पैलेस का जो तालाब है, बहुत ही ब्यूटीफुल तालाब है। और अभी हम लोग पानी कोइली के हाईवे पकड़ चुके हैं और केउंझर में एक्चुअली प्लान था हम लोग का लंच करने का, लेकिन अभी टाइम हो गया 4, तो फिर लंच करने के बाद फिर 1 घंटा जाएगा हम। सो इसलिए हम लोग सोचे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोड कवर कर लेंगे, एटलीस्ट 5:30-6 बजे तक हम लोग पानी कोइली पहुँच जाएंगे। उसके बाद आराम से हम लोग ढाबा में लंच वंच करके आराम से 9:30-10 तक भुवनेश्वर तक पहुँच तो जाएंगे। ये वाला जो हाईवे है अभी बना है शायद, अभी नहीं मतलब 2-3 साल ही हुआ है, पहले ये वाला हाईवे नहीं था। पहले जो रोड था आगे से था और वो 2 लेन का रोड था, लेकिन ये जो 4 लेन का रोड अभी बना है। आज का दूसरा टोल, लेकिन हम लोग का टेंशन नहीं है क्योंकि बाइक का टोल तो लगता नहीं है। लेकिन एक दो एक्सप्रेस वे इंडिया में जहाँ पे बाइक का टोल लगता है, जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, वहाँ पे जो टोल है वहीं पे बाइक का टोल लगता है क्योंकि वो वाला एक्सप्रेस वे है और यहाँ पे तो लगता नहीं है। बस साइड से निकल जाएंगे। पूरा खाली नहीं टोल है, उठते भी गाड़ी नहीं। केउंझर से अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ, अभी घाटगांव पहुँच चुका हूँ और मंदिर शायद बंद है, अभी तो ओपन नहीं हुआ है। बस हम लोग यहीं से अंदर से रोड होते हुए बस निकल जाएंगे क्योंकि बाहर का ये अंदर का रोड थोड़ा शॉर्ट आता है जो मेन रोड है। मंदिर खुला है क्या? पता नहीं, बंद होगा, बंद सब तो दुकान बंद है, मंदिर कहाँ खुला होगा। हाँ बंद है, बंद है, पूरा सील है। नहीं हाँ देख सकते हैं आप लोग, घटगा फेमस तारिणी मंदिर बंद है पूरा कोविड के लिए। मार्केट भी पहला जैसा सब कुछ बंद है, कोई भी मार्केट खुला नहीं है, दुकानदार एक दो दुकानदार बस खुला है। बस घाटगांव से निकलते हैं, यहाँ पे सोच रहे थे कोई होटल मिलेगा लंच के लिए, लेकिन अभी तो हम लोग लंच नहीं किए, टाइम हो गया 4:30। अभी डायरेक्ट निकलते हैं पानी कोइल की तरफ, यहीं पे पहला कोई भी ढाबा आया वहीं पर रुकेंगे हम लोग, लंच करेंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे, उसके बाद निकलेंगे। अभी हम लोग डिसाइड कर चुके हैं क्योंकि थोड़ा पास में है गुंडीचा घाई, इसलिए गुंडीचा घाई थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट चंडीखोल निकल जाएंगे क्योंकि जो पानी कोइल का रूट हम लोग छोड़ देंगे। कौन सा रूट दिखा रहे हैं? 500 मीटर 500 मीटर कौन सा आगे, ये वाला ना? ये सो यहीं से हम लेफ्ट लेंगे। और ये घाटगांव से हरिचंद्रपुर रोड है, यहीं से गुंडीचा घाई
का डिस्टेंस है 11 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स चलिए गुंडीचा का एक्सप्लोर करते हैं। पीवा चल ठंडा फंडा पीले रे मु चल तो पीले रे। जंगल रोड शुरू हो चुका है और यहीं से गुंडीचा घाई 2 किलोमीटर है। यहाँ पे बीच बीच में एक दो विलेज भी है, छोटा छोटा गांव भी है। पिछले साल का मेरा प्लान था गुंडीचा घाई आने का, लेकिन मैं तो इस रूट से आता नहीं हूँ क्योंकि रोड का हालत बहुत ख़राब था, जो कि बारकोट से केवंझर का रोड है। अभी कहाँ गांव एरिया है, फिर अभी कहाँ वाटरफॉल आएगा। ओ फाइनली फाइनली हम लोग गुंडीचा घाई वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ पर बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। वाओ बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ऑसम प्लेस है। ये देख सकते हैं वाटरफॉल। सीढ़ी की जीवा रास्ता आज तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोग देख सकते हैं गुंडीचा घाई वाटरफॉल में पहुंच चुका हूं। और स्टेयर से नीचे जाना पड़ेगा, जो मेन फॉल है नीचे से भी है ऊपर से भी है। पहले नीचे से मैं आपको व्यू दिखा दूंगा, उसके बाद ऊपर से ड्रोन का व्यू लूंगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं गुंडीचा घाई, देखिए पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे एक फ्लो है आगे में और 3-4 फ्लो है, और ये आगे में आप देख सकते हैं एक ब्रिज बना हुआ है जो व्यू देखने के लिए और उस साइड जाने के लिए। तो फ्रेंड्स और एक बार मैं बताना चाहता हूँ, अभी मैं हूँ गुंडीचा घाई जो कि केवंझर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये घटागांव से 13 किलोमीटर है और केवंझर से अप्रोक्सीमेटली 55 किलोमीटर है। बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है, बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। आप कभी भी घटागांव आइए तो गुंडीचा घाई ज़रूर देख के जाइए। अभी वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा है, बारिश का सीज़न है और इसलिए 6-7 फॉल है, लेकिन और समर में और विंटर में एक ही फॉल है। तो अभी यहाँ का कुछ ड्रोन व्यू लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहीं से जाएंगे।
अभी टाइम 6 बजने वाला है और बस गुंडीचा घाई से हम लोग अभी निकलेंगे और हम लोग को 150 किलोमीटर जाना है भुवनेश्वर, और अभी तक हम लोग लंच भी नहीं किए हैं और ब्लॉग में और कुछ है नहीं आगे में देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग में बस इतना ही, और ये ड्रोन शॉट आपको कैसा लगा और गुंडीचा घाई कैसा लगा और उसके बाद आपको कांजीपानी घाटी कैसा लगा, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। अभी बस नेक्स्ट वीक और एक ब्लॉग करेंगे और किसी प्लेस में जाएंगे, अभी फाइनल नहीं हुआ है, बस भुवनेश्वर पहुंचेंगे, थोड़ा काम है, 2-3 दिन काम रहेगा, उसके बाद फिर से नया ब्लॉग बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। और ऐसा कोई प्लेस है आपके एरिया में आप बता सकते हैं, हम लोग ज़रूर जाएंगे उड़ीसा के अंदर। अभी तो फिलहाल प्लान नहीं है उड़ीसा के बाहर जाने का, नेक्स्ट मंथ या जैसे कि अक्टूबर या नवंबर उन पर आने से ही मैं बाहर का ट्रिप करूँगा। सो फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, और चैनल में नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा बहुत सारा ब्लॉग है आएगा, उसको आप जैसे ही मिस नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।